नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं सचिन पायलट की। जी हां, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने वसुंधरा सरकार पर हमला बोला। आपको बता दूं कि जिस तरह से वसुंधरा सरकार उपचुनाव हार गई है राजस्थान में, उसको लेकर सचिन पायलट ने तंज कसा। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे जो है पहले मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और लेकिन जब वो चुनाव हार गई उपचुनाव, तो उन्होंने मीडिया को बुलाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में कि उन्होंने किस तरह से तंज कसा वसुंधरा राजे पर। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जब खुद का किला ध्वस्त हुआ, लोकसभा के विधानसभा के बाई इलेक्शन बुरी तरह हारे, तब तो हमारे पत्रकार साथियों के साथ वार्ता नहीं करी, लेकिन त्रिपुरा में और नागालैंड में एनडीए की सरकार बनने की बात आई तो पार्टी ऑफिस भी गई, जश्न बनाया, ढोल नगाड़े बजवाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ना ये है कि इस उपचुनाव की हार के बाद क्या मुख्यमंत्री महोदया दोबारा कोई प्रेस वार्ता करेंगी, या फिर कभी पांडिचेरी या कभी लक्षद्वीप में कोई चुनाव होगा और उसके बारे में चर्चा करेंगी। आज मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। तो देखा आपने किस तरह से वसुंधरा राजे पर उन्होंने तंज कसा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर बात कर रहे हैं वसुंधरा सरकार की, तो उपचुनाव हारने के बाद भी वसुंधरा सरकार सबक नहीं ले रही है। जी हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर भू माफिया जो है अपनी चरम सीमा पर है, और भू माफिया जिस तरह से अपनी मनमानी चला रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि वसुंधरा सरकार लापरवाही बरत रही है और इसी लापरवाही के चलते उन्हें भुगतान भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात कर रहे हैं जिस तरह से राजस्थान की, तो राजस्थान में देखिए खुद वसुंधरा सरकार ने रोजगार को लेकर अगर हम बात करें, तो रोजगार को लेकर उन्होंने कहा था कि वो कई नौकरियां दिलाएंगी, जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें कई नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वायदा पूरा नहीं किया। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वसुंधरा सरकार ने लोगों के साथ ठगी की, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इतना ही, अगर मैं बात करूँ किसानों की, तो किसानों कि कर्ज माफ़ी को लेकर भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्हीं सब वजह के चलते जो है वसुंधरा सरकार कह सकते हैं कटघरे के निशाने पर आकर खड़ी हो गई है, और जिस तरह से उपचुनाव हार गई हैं वसुंधरा, उससे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो यहाँ पर झलकती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि कितना काम हुआ है, और क्योंकि देखिए जनता जो होती है, जनता फैसला तभी लेती है जब उसे पता होता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से जनता निर्णय भी लेती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और भले ही नेता जो हैं अपनी मनमानी करते रहें, लेकिन आखिरकार जब इलेक्शन, जब चुनाव के समय आते हैं, तो जनता अपना जवाब दे देती है। और जो भ्रष्ट नेता होते हैं, जो नेता अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं, जो नेता अपनी झोली भरने में लगे रहते हैं, वो नेता आखिरकार उस दौरान मात खा जाते हैं और जनता उन्हें सीट से उठा देती है, यानी कि उन्हें गद्दी से नीचे गिरा देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरह से उपचुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी की हार हुई, और आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे ही स्थिति वसुंधरा सरकार की रही तो विधानसभा का चुनाव भी वसुंधरा सरकार हार जाएगी, और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गद्दी खाली करनी पड़ेगी। आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस की तारीफ की और किस तरह से वसुंधरा सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने 4 साल में इस प्रदेश की जनता को एहसास नहीं होने दिया कि सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया है। सरकार ने 4 साल पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन हम लोगों ने गांव, गली, ढाणी, वार्ड, जिला, ब्लॉक कोई जगह छोड़ी नहीं। किसी भी समाज के वर्ग को ऐसा लगने नहीं दिया कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है, क्योंकि जब सरकार रूट जाती है, जब यहाँ 2 साल पहले ओलावृष्टि हुई थी, एक नया ढोंग रचा गया, कल जब ओले पड़े परसों, तो कहा गिरदावरी की रिपोर्ट लेके आओ, मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश किए, और कई जगह दिखाया गया कि बहुत साहसी कदम है मुख्यमंत्री का। मैं तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ और आपदा राहत मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जिले में जो यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी, क्या उस फसल का मुआवजा दिया अब तक आपने? ऑन रिकॉर्ड है कि 10 लाख प्रदेश के किसान ऐसे हैं जो 2 साल पहले जो ओलावृष्टि हुई थी, उस समय सोनिया गांधी जी फसल का मुआयना करने कोटा आई थी,
सोनिया जी के दौरे के अगले दिन अरुण जेटली जी आए थे। आज भी 10 लाख किसान परिवार उस मुआवजे से वंचित हैं। तो अब जो ओला पड़ा है इन 4 जिलों के अंदर, उसकी गिरदावरी रिपोर्ट मंगा के क्या करेंगे जब पहले का पैसा आपने दिया नहीं और मुख्यमंत्री जी ने तो अमेरिका हनुमानगढ़ में दर्शन ही नहीं दिए। तो देखा आपने कि किस तरह से वसुंधरा सरकार पर उन्होंने हमला बोला और कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार की खामियां गिनवाई। आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में, बीजेपी के शासनकाल में ज़्यादा मारामारी देखने को मिल रही है और ज़्यादा लोग इस शासन में परेशान हैं, जबकि उन्होंने कांग्रेस की अच्छाई गिनवाते हुए ये कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों का साथ दिया है, लोगों को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, रोजगार के कई अवसर कांग्रेस ने बढ़ाए हैं। तो इस तरह के तमाम बातें जो है सचिन पायलट ने अपनी बात में कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं उपचुनाव, जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने बाजी पलट दी है, पासा पलट दिया है। जिस तरह से वो उन्होंने तंज कसा है बीजेपी पर और जिस तरह से उन्होंने सरकार की नाकामी गिनवाई है, जिस तरह से वसुंधरा सरकार की नाकामी गिनवाई है, तो ये सब चीज़ें ईश्वर इशारा करता है कि सचिन पायलट धीरे धीरे जिस तरह से उभर रहे हैं और जिस तरह से वो एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रुख इस बात की ओर है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनने की कवायद जो है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन ये तो विधानसभा के जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी नहीं। लेकिन वाकई में ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि वसुंधरा राजे उपचुनाव से भी नहीं सीख पाई और जिस तरह से उपचुनाव में करारी हार मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं वसुंधरा सरकार को संभलना था, वसुंधरा सरकार को काम करना था, लेकिन अभी भी जो है वो ढुलमुल रवैया उन्होंने अपना रखा है, लापरवाही का रवैया अपना रखा है, जिसके चलते जनता परेशान है, जिसके चलते किसान वर्ग के लोग परेशान हैं, जिसके चलते युवा वर्ग के लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अपने आप में ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि सरकार किस तरह से हावी हो चुकी है लोगों पर और लोग किस तरह से जल्द सरकार को बदलना चाहते हैं। और यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि अब लोग जो हैं वो अपना एक नया मत रख रहे हैं और लोग जो हैं अब वो नई सरकार लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनका झुकाव अब कांग्रेस की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा सरकार की लापरवाही देखने को मिली है और जिस तरह से कह सकते हैं कि उपचुनाव हार गए, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि वाकई में लापरवाही तो हुई है और इस लापरवाही का भुगतान वसुंधरा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी करना होगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।